शांति। आज 19 नवंबर 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करते हो। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात को डोंट केयर करते हैं? उत्तर है, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना, इस पर बहुत अटेंशन रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सिखलते बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? सभी ने कहा, बाप, शिक्षक, सदगुरु की। सभी इन तीनों की याद में बैठे हो? हर एक अपने से पूछे, यह सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? क्योंकि यह है वंडरफुल बात, और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता। भल यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीवात्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो, अंदर में आता है यह बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सो भी सुप्रीम। तीनों को याद करते हो या एक को? भल वह एक है, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है, यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो यह याद रहना चाहिए। बाबा पूछते हैं, ऐसे याद करते हो कि यह हमारा बाप, टीचर, सदगुरु भी है? ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर वन ही श्री कृष्ण, उनको बाप, टीचर, सदगुरु कह नहीं सकते। यह बिल्कुल वंडरफुल बात है, तो सच बताना चाहिए। तीनों रूप में याद करते हो? भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। यह है वंडरफुल बात, विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। ऐसे यह युग है, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। यह ज्ञान भी वह रचयिता बाप ही देते हैं, तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। बाप, टीचर, गुरु, वह एक ही है। इतनी ऊंच आत्मा और कोई हो नहीं सकती। परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है, तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। यह हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए, बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है, साथ साथ यह महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो? वह तो अब हो रही है, आकर समझो कौन कर रहे हैं। तुमको बाप का एक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। बाप के एक्यूपेशन और श्री कृष्ण के एक्यूपेशन में बहुत फर्क है। और तो सबका नाम शरीर का ही लिया जाता है, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। वह आत्मा बाप भी है, टीचर, गुरु भी है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वह दे कैसे? शरीर द्वारा ही देंगे ना। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं। तुमको समझाना है, ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है? बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, यह तो कोई भी सुना न सके।
तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा है, वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला है, प्रकृति भी पावन बन जाती है। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तो तुम यह पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है, सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन। अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे, या तो फिर कह देते वह नाम रूप से न्यारा है, जैसे कि है ही नहीं। तो बाप बिगर ऑर्फन्स ठहरे ना, बेहद के बाप को ही नहीं शांते, एक दो पर काम कटारी चलाकर कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट करना है। यह लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, इन्हों की भी वंशावली है ना, तो जरूर सब ऐसे गौड़ गौड़ेज होने चाहिए। तो तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो, जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं, उनको ही बुलाना है। तुम लिख सकते हो जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवे, उनके लिए हम आने जाने रहने आदि का सब प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का परिचय दिया तो यह तो जानते हैं, कोई भी यह ज्ञान दे नहीं सकते, भल कोई विलायत से आवे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे, ऐसे एडवर्टाइज और कोई कर न सके। तुम तो बहादुर हो ना, महावीर महावीरनिया हो, तुम जानते हो इन्होंने यानी लक्ष्मी नारायण ने विश्व की बादशाही कैसे ली, कौन सी बहादुरी की। बुद्धि में यह सब बातें आनी चाहिए। कितना तुम ऊंच कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो, तो बाप को याद करना है, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ यह नहीं कि शिव बाबा याद हैं, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। यह महिमा है ही निराकार की, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे। जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने लिए मुख चाहिए ना, मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य गौमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, क्या क्या बातें बनाती हैं, तीर मारा गंगा निकल आई। गंगा को समझते हैं पतित पावने, अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता, पतित पावन तो बाप ही है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं, बाप तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो, कौन आकर बाप रचयिता और रचना का परिचय देंगे। साधु सन्यासी आदि यह भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नेति नेति, हम नहीं जानते हैं, गोया नास्तिक थे। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है, अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेहद के बाप को जानते हो जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। बाप समझाते हैं इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी हैं, फिर श्रेष्टाचारी भी होंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले पहले पवित्र दुनिया थी, अब बाप अपवित्र दुनिया थोड़े ही बनाएंगे। बाप तो आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना, वह कैसे बनाते हैं सो भी तुम जानते हो। महाप्रलय जलमय आदि तो होती नहीं, शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। बाकी पांच पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए, फिर रिजल्ट का कोई को पता नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, यह भी तुम ही जानते हो। वह बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। वहां तो यह मंदिर होते नहीं, यह देवताएं होकर गए हैं, जिनके यादगार मंदिर यहाँ है। यह सब ड्रामा में नोंद है, सेकेंड बाय सेकेंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं, बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए हैं, मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कदर ही नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं, कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करना चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वह बैठ पढ़नी चाहिए, यह भी बाप कहते हैं।
ऐसी ऐसी चैलेंज तो यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं वह देंगे ना, टीचर खुद जानता है तब तो पूछते हैं ना, बिगर जाने पूछेंगे कैसे। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शुबाबा से ही कनेक्शन है। परंतु शुबाबा जो सुनाते हैं वह भी सुनना है ना, कि सिर्फ उनको याद करना है। बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं ना, तो यह सब बातें समझने की हैं। जब बाप की याद में बैठते हो तो यह भी याद करना है कि वह बाप भी है और सदगुरु भी है, नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। बाप ने तो बच्चों को सब समझा दिया है, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। सन शोज फादर, सन का फिर फादर शो करते हैं, आत्मा का शो करते हैं, फिर बच्चों का काम है बाप का शो करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ, इनको थोड़े ही कोई ऑर्डर करने वाले होंगे, तो यह निमंत्रण आदि अखबारों में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया है नास्तिक, बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया है वर्थ नॉट पेनी, अमेरिका के पास भल कितना भी धन दौलत है परंतु वर्थ नॉट पेनी है, यह तो सब खत्म हो जाना है ना। सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, वहाँ कोई कंगाल होगा नहीं। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए, उसके लिए ही गायन है। अतिन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह संगम युग की ही बातें हैं। संगम को कोई भी जानते नहीं, विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है, अहो प्रभु तेरी लीला, यह कोई भी नहीं जानते थे कि भगवान बाप टीचर सदगुरु भी हैं। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं, बच्चों को यह नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है, सोडा भी ऐसे होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसको ऐसा समझो जो वह भी वंडर खाए, अच्छा अच्छा कहते भी है परंतु वह फिर टाइम निकाल समझे, जीवन बनावे, वह बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि धंधा आदि नहीं करो, पवित्र बनो और जो पढ़ाता हूँ वह याद करो, यह तो टीचर है ना, और यह है अनकॉमन पढ़ाई, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं, बाप ने समझाया है यह तुम्हारा तख्त है जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है, उनको यह सारा पाठ मिला हुआ है। अभी तुम समझते हो, यह तो रियल बात है, बाकी यह सब है आर्टिफिशियल बातें। यह अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आएगा, परंतु गांठ क्यों बांधी है वह भी भूल जाते हैं। तुमको तो यह पक्का याद करना है, बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो, बाबा अंदर में समझते हैं। कल्प कल्प यह बच्चे पढ़ते रहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है। शिव बाबा को याद करो, वह बाप टीचर सदगुरु भी हैं। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे, श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे वह बाप टीचर सदगुरु हैं। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण वह फिर गुरु कैसे बनेगा। गुरु चाहिए दुर्गति में, गायन भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। श्री कृष्ण को तो सावरा ऐसा बना देते जैसे काला कोयला। बाप कहते हैं इस समय सब काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन पड़े हैं, तब सावरा कहा जाता है।
कितनी गुह्य बातें समझने की हैं। गीता तो सब पढ़ते हैं, भारतवासी ही है जो सभी शास्त्रों को मानते हैं, सबके चित्र रखते रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे, व्याभिचारी भक्ति ठहरी ना। अव्याभिचारी भक्ति एक ही शिव की है, ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है, यह ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे, कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। दूसरी पॉइंट है, आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। विश्लेषण है, पवित्रता पूज्य बनाती है, पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, बोल भी अयथार्थ न हो, संबंध संपर्क में भी फर्क न हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मना किसी में भी पवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। आज का स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वारे में तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वारे में तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।